सोशल मीडिया पर हो रही है आदित्य नारायण की रोके सेरेमनी की फोटोज वायरल। आखिरकार शादी कब कर रहे हैं और ऐसी कौन सी चीज है जिससे उन्होंने दूरियां बना ली हैं, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। वेल, आपको बता दूं कि शादियों का सीजन जो है वो शुरू होने ही वाला है और इस शादी के शुरू होने पर भाई कहीं ना कहीं शादी की खबरें भी आ रही है। अब आप लोगों को भी अपने अपने घरों में शादी की खुशखबरियां जो है वो मिल ही रही होंगी, लेकिन इंडस्ट्री की तरफ से भी कई सारी शादियां हो रही हैं। अब ऐसे में याद दिला दूं, टीवी इंडस्ट्री से नीति टेलर की शादी हो चुकी है, हाल ही में काजल अग्रवाल ने शादी की है, नेहा कक्कर ने शादी की है, अब एक और शादी की अनाउंसमेंट हो चुकी है और ये शादी किसी और की नहीं बल्कि आदित्य नारायण और साथ में श्वेता अग्रवाल की है। वेल, आपको बता दूं कि श्वेता अग्रवाल और आदित्य नारायण दोनों ही शापित मूवी के दौरान मिले थे। 10 साल का दोनों का रिलेशनशिप है और दोनों ने हमेशा अपनी लाइफ को काफी ज्यादा प्राइवेट भी रखा है। अभी यहाँ पर इन दोनों की शादी जो है वो दिसंबर में होने वाली है। इनफैक्ट दिसंबर में शादी होने की वजह से ही आदित्य नारायण ने सोशल मीडिया से थोड़ी सी दूरी बना ली है। जी हाँ, अपने सारे ही अकाउंट्स उन्होंने डीएक्टिवेट कर लिए हैं और इस बात का खुलासा उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान किया कि वो कुछ समय के लिए अपने सोशल मीडिया से टाटा बाय बाय कह रहे हैं ताकि उनकी लाइफ, उनकी शादी जो है वो प्राइवेटली हो जाए और उन्हें शादी की तैयारियां भी करनी है। और जिस तरीके से उनकी शादी की तैयारियां चल रही है, काफी जोरों शोरों से चल रही है। आपको बता दूं कि यहाँ पर इस समय उनके रोका सेरेमनी की एक फोटो जो है वो काफी तेजी से वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें आदित्य नारायण ग्रे कलर की शर्ट, एक डेनिम जीन्स में नजर आ रहे हैं और वहीं पर श्वेता अग्रवाल पिंक कलर के सलवार सूट में नजर आ रही है। दोनों की जोड़ी बहुत प्यारी लग रही है। एक इंटरव्यू के दौरान आदित्य नारायण ने इस बात का खुलासा किया था कि वो दोनों कहाँ मिले, कैसे दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शापित के सेट पर मिले थे और 10 साल हो चुके हैं दोनों को मिले हुए। इनफैक्ट यहाँ पर जब आदित्य नारायण और श्वेता अग्रवाल दोनों जब साथ में मिले थे तो एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते थे और आदित्य को वो अच्छी भी लगती थी। धीरे धीरे करते करते दोनों के अंदर बॉन्ड अच्छा होने लग गया, दोस्ती बढ़ी। दोस्ती बढ़ते बढ़ते कब आदित्य नारायण को श्वेता से प्यार हो गया उन्हें खुद भी नहीं पता चला। इनफैक्ट उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने इस 10 साल के रिलेशनशिप में कई सारे उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन यहाँ पर वो श्वेता की तारीफ करते हुए कहते हैं कि श्वेता किसी भी कंडीशन में, किसी भी सिचुएशन में डरती नहीं है, और इस चीज को मैं उनकी सबसे अच्छी पॉजिटिविटी मानता हूँ और ये पॉजिटिविटी मुझे काफी ज्यादा उनकी पसंद है, इसलिए मुझे उनपे हर चीज को लेकर काफी भरोसा रहता है। इनफैक्ट आदित्य नारायण की पूरी फैमिली को श्वेता अग्रवाल काफी ज्यादा पसंद दी थी। वेल, तो अब एक और शादी होने वाली है, एक और दूल्हा घोड़ी चढ़ने वाला है। क्या कहना चाहेंगे इन दोनों की जोड़ी के लिए, राय कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।